चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ओ विद वेलोसिटी यू इन डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल एट एनी इंस्टेंट, इट्स पोजीशन इज एट पॉइंट पी एट राइट एंगल टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट पी। देखो यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट फाइनली यहां पहुंचा, उसकी वेलोसिटी वी है, यहां यू है और यहाँ V है, और हॉरिजेंटल के साथ एंगल है अल्फा। तो ये एंगल जो है इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज तो होगा नहीं, हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, क्यों? क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा तो कहा नहीं कि हवा चल रही है या कोई फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट यू एक्स की वैल्यू क्या होगी, यू कॉस अल्फा, इसको ठीक से लिखते हैं, ux की वैल्यू क्या हो जाएगी, ux इज इक्वल टू u cos अल्फा होगी। अच्छा ये 90 डिग्री अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, ये u हो गया, ये हो गया आपका अल्फा, और ये फाइनल वेलोसिटी है, मान लो ये v है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 90 माइनस अल्फा होना चाहिए, तभी तो होगा। अच्छा ये डायरेक्शन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होगा, अगर ये v है, ये 90 माइनस अल्फा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, इधर वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा से कनेक्टेड, तो ये होगा v cos 90 माइनस अल्फा, और cos 90 माइनस अल्फा कितना होता है, sin अल्फा, sin v sin अल्फा होता है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में पहले वेलोसिटी कितनी थी, u है, तो u cos अल्फा, तो u cos अल्फा और v sin अल्फा दोनों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हैं, दोनों में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर भी ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा है, और यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v sin अल्फा आ रही है, तो ये दोनों चेंज नहीं होने चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो v की वैल्यू पूछ रहा है ना कि वेलोसिटी एट पॉइंट p v की वैल्यू कितनी होगी, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, u cos अल्फा बाई साइन अल्फा, इट मींस u cot अल्फा कहां पर है, u cot अल्फा b वाला पार्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।